राम दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका राज के ब्लॉग में। ये देखिए, आज गर्मी आ रही है तो गर्मी आने से पहले ही हम कर रहे हैं अपनी एसी की सर्विस, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये देखिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एसी की सर्विस हो रही है हमारी, क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर है ना, तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है और हमारा मार्च के अंदर एसी स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए क्या कर रहे दिशु, आप दिशानी ब्रश देना, चलिए सर। यहाँ पे हेल्पर भी है, हेल्पर हाय बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस। ये हमारी बॉस है, ये हमें कुछ कर रही है ना। एक मिनट ऊपर आ, ये देखो ब्रश से सफाई हो रही है अभी इसकी। बेटा इसको शोर नहीं करो दिशु। आप लोग कहोगे कि इस पिचकारी से क्यों कर रहे हैं, इस पिचकारी की जो वो है ना, इसका जो प्रेशर है ना काफी तेज है। ये देखो कितना तेज प्रेशर आते हैं, इससे जो सारी धूल मिट्टी है ना एकदम साफ हो जाती है। ये जो जाली आपको दिखाई दे रही है ना अंदर, यहाँ से हवा लेता है, यहीं से जो इसकी जाली जो बंद हो जाती है ना, इससे सारी धूल मिट्टी एकदम, इतना तेज प्रेशर होता है इसका, सारी साफ हो जाती है। ये देखो पानी आपको दिख रहा होगा टपक रहा है इधर से। अब जो भी इसका पानी है सारा इसको साफ करेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट लड़ो नहीं, पंखड़ी पीछे को। बंद है बेटा, बंद है बेटा, फिल्टर ले गया, फिल्टर लाओ। ये देखिए फिल्टर है, दिखाना फिल्टर, इन फिल्टर पे धूल जम जाती है काफी। इस फिल्टर को हमने साफ करा है पानी से, इसको भी तेज प्रेशर से साफ करा है। गाइस हमने इस अब इसको सुखा के, इसको सुखा के फिर वहां पे लगाते हैं। हफ्ते में इसको एक दिन वॉश करके हम लगाते हैं, इसमें धूल काफी खींचता है। और जब भी आप घर की सफाई करो ना, तो हमेशा एसी को बंद करके करो। उससे क्या होता है, अगर हम एसी चालू में सफाई करेंगे ना, तो धूल को बहुत जल्दी खींचता है। ये देखिए हमारा एसी हो गया कंप्लीट सर्विसिंग। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है। और जिसका एयर फिल्टर होता है ना, उसको 1 वीक के अंदर जरूर वॉश करें। उसका जो प्रेशर होता है, सॉरी, उसका जो एयर फ्लो होता है वो सही रहता है। और देखिए गाइस, ये हमारा एसी पूरा सर्विस हो चुका है। आप भी इस तरह से अपना एसी सर्विस कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ये देखिए एसी की सर्विस के बाद बच्चों का फन। पता है ऐसे हम भी झूलते थे, चाचा जी झूलाते थे हमारे। बस इतना सा, बस पेट भर गया, पेट भर गया, थक गए। ये क्या हो गया दिशु, हैंग हो गई। देखो 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 भाग के गुस्से। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो। खाने में बनाया कड़ी रोटी। दिशानी आपको नहीं खाना? नहीं खाना। क्यों?
मेरा पिज्जा आ रहा है। पिज्जा हम भी शेयर करेंगे ठीक है। आपको नहीं मिलेगा। फोन फोन आ रहा है। बड़ी ध्यान कमा जा रही है। फोन करता है ना शोरूम पे जो था। हाँ चलिए बेटा पानी ही लो। भाई राम राम। भाई साहब जब भी आप फोन करो ना मैं उसी दिन वीक ऑफ पे होता हूँ। हाँ या तो कल आ जाओ आप। आज हाँ कोई नहीं कल आ जाना। आप कल आ जाना। हाँ डाइकन करवाऊँ डाइकन। हाँ डाइकन कराऊँगा आ जाओ। कह रहा मैं सोच रहा था बुधवार है छुट्टी पे हो रहा है फिर भी फोन कर लिया। कह रहा मैं कह रहा हूँ कल चले मिलते हैं थोड़ी देर में अभी खाना खा के। आप क्या लाए हो? पिज़्ज़ा। दिखाओ कौन सा पिज्जा है? ऑनियन। ऑनियन पिज्जा दिखा ना। देखो उधर ले गई है ये नहीं शेयर कर लूं थोड़ा सा भी। क्यों इसकी डाल लो तुसी इधर इससे डाल लो ये कुछ नहीं डालेगी। मम्मा क्यों टाइगी मम्मा को देंगे ये तो बनवाती क्यों आप ऑनियन का हटाती हो? कितने निर्दयी बाप बेटी हो ना तुम। एक माँ को नहीं पूछ रहे हो खाने के लिए। शकल दिखाओ तुम्हारी दोनों की। देखो फ्रेंड्स ये दोनों अकेले अकेले खा रहे हैं है ना। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।